महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना हजारे की सुरक्षा समीक्षा के बाद उन्हें जेड सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। रालेगढ़ पहुंची पुलिस की एक टीम उनकी पद्मावती मंदिर से लेकर हिंद स्वराज ट्रस्ट के दफ्तर तक सुरक्षा और तैनाती का खाका तैयार कर रही है, लेकिन अन्ना हजारे ने अधिकारियों के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। अन्ना के सुरक्षा घेरे में सादी वर्दी वाले सुरक्षा कर्मी होंगे। सुरक्षा कर्मियों के हथियार दिखाई नहीं पड़ने चाहिए। आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अन्ना की इन शर्तों को पुलिस वाले भी मानने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, अगर आपको जिम्मेदारी पूरा करना ही है तो आप अपने हमारे तरीके से कीजिए, अपने तरीके से नहीं। उसमें यूनिफॉर्म में लोग मेरे आसपास बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, वो कॉमनर्स जैसे दिखने चाहिए, तभी वो हमारे आसपास रह सकते हैं। अन्ना हजारे को पिछले 4 साल से सुरक्षा मिली है। अब तक उनके साथ 4 अंगरक्षक हमेशा रहते थे, लेकिन उन पर भी यही शर्तें लागू थीं। हम 4 आदमी है, 4 आदमी सिविल ड्रेस पे 24 घंटे आदमी, 2-2 आदमी रहते हैं। नाइट हो या डे हो, एक आदमी हमेशा उनके साथ रहते हैं। और हथियार भी हमारा नाइट के लिए हम उनको खुला रखते हैं लोड करके, और दिन के लिए हम वो हथियार हमारा गन थैली में रखते हैं।